हेलो स्टूडेंट, निमसेट के लिए अब हमारे पास अप्रोक्सीमेट 1 मंथ बचा हुआ है। और जैसा मैंने आपसे बोला था, अभी जो क्विक रिवीजन क्लास लिए या एनडीए के जो लाइव क्लासेस थी जिसमें मैंने पेपर डिस्कस किया, वो सब आपके लिए बहुत ही यूजफुल वैल्यूबल थी। अब मैं आपके साथ आपके पेपर के साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ और कैसे स्कोर बढ़े, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट अभी तक भी लोग, 1 महीना बचा है और जुड़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि अभी भी लास्ट मंथ हम कुछ इस ढंग से प्रिपरेशन करें कि अपने स्कोर्स को एक बहुत अच्छे स्कोर्स की तरफ ले जाएं। उसके लिए क्या करना होगा और अब मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1 कि हम अभी स्टार्ट करेंगे निमसेट के, आप लोग सब लोग ये तैयारी कर लें, 2008 से लेके 2018 तक के सारे पेपर्स अब आपको तैयार रखने हैं। पेपर्स में कभी भी किसी भी पेपर में स्कोर बढ़ाना हो तो उसकी प्रॉपर टेक्निक्स हमें पता होना चाहिए कि हम कहां पर किस ढंग से प्रिपरेशन करें। ये लास्ट ईयर के पेपर से आपको क्या क्या फायदा होगा सॉल्व करने का, वो एक रीजन, पढ़ने के पैटर्न में क्या चेंज लाना है, रिवीजन क्या करना है, ये बताना चाहूंगा। तो ये एक नंबर 1 कि आप सभी लोग ये पेपर्स निकाल लें और सॉल्व कर लें। जिस दिन भी मैं आपके साथ लाइव क्लास शेयर करूंगा उस दिन आपको मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिल जाएगा कम्युनिटी पे और फिर वो आपको क्लास मिलेगी। इसमें हम करेंगे ये कि जैसे सपोज कि अब जैसे 2008 का बहुत टफेस्ट पेपर था, 17 का आईजी था, इन सभी पेपर्स के जैसे एक तरह से पहले हम ट्राई करेंगे कि मास में कैसे, आप में से कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि अभी भी आप 15 या 20 तक ही पहुंच पा रहे हैं, तो कैसे हम 30-35 तक कर सके और टाइम मैनेजमेंट हमारा क्या हो, यानी हम 1 आवर में मास के 30+ क्वेश्चन कैसे करें, पहला ऑब्जेक्ट। 40 मिनट में रीजनिंग के LR के हम करीब करीब 20 क्वेश्चन कैसे करें, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं आपको जो पेपर्स बताऊंगा आप वो तैयार रखिएगा। एक और बात, क्योंकि वो आपने पेपर दिया होगा तो हो सकता है आपने उसमें मार्क कर दिया हो, तो मैं सेम डे पेपर भी आपके साथ शेयर करूंगा, पेपर का लिंक, वो पेपर जो मैं डिस्कस करने वाला हूं उसको आप डाउनलोड करेंगे इमीडिएटली और देन उसके बाद उसको आप सॉल्व, पहले खुद सॉल्व करेंगे और फिर मेरे साथ सॉल्व करेंगे। उसमें आपको एक चीज समझ में आएगी कि सॉल्विंग अप्रोच में कहां डिफरेंस आ रहा है। वो एक चीज अगर आपकी क्लियर हो गई कि क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स क्या होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए अभी भी हमारे पास 30+ डेज है, यानी अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि और पॉजिटिव माइंड से और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने पूरे 100% के साथ अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे तो ये पॉसिबल है कि आप पेपर्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। तो मैं आपके साथ ये पेपर डिस्कस करूंगा। अब जैसे मैं अगर बात करूं 2008 के पेपर की, उस समय मैथ्स में 40 क्वेश्चन आते थे। अब इस उस समय के रिजल्ट में अगर जिस बच्चे ने 20+ भी कर लिए, यानी वो टॉप कर गया था। अब मैं आपके साथ जब पेपर डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा कि 30+ कैसे करना है, या 2018 में अब 50 आने लगे, 70 में भी 50 आने लगे जब बाद में चेंज हो गया, इस 50 में 35 से 40 कैसे जाना है, यानी हमें एक डिसीजन मेकर होना चाहिए कि जो 5-10 क्वेश्चन टफ है, लेंथी है, वो अगर हम छोड़ देंगे तो हम LR पे वर्क कर पाएंगे, हम कंप्यूटर पे वर्क कर पाएंगे, हम इंग्लिश पे वर्क कर पाएंगे। अगर हमने सभी समय मैथ्स पे दे दिया तो हम ओवरऑल स्कोर नहीं कर सकते और ओवरऑल स्कोर सभी सेक्शन के बिना आप अच्छी रैंक नहीं अचीव कर सकते। तो अगले कुछ दिन मैं आपके साथ ये क्लास शेयर करूंगा, जो क्लास यहाँ पर होंगी वही आपके साथ शेयर करूंगा। पर्पज वही है सेम, कि कैसे हम अपने स्कोर्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। एक बात याद रखिए, आप हमेशा ट्रिक्स करते हैं, मैंने आपको सबसे ज़्यादा ट्रिक्स बताई है, बताता भी हूँ, पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ट्रिक्स कुछ भी नहीं होती, कंसेप्ट होते हैं, लॉजिक होते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकली स्ट्रांग हो तो आपको ट्रिक्स अपने आप समझ में आने लगती हैं। कैसे स्टेप सेविंग करनी है, किस क्वेश्चन में कितनी स्टेप्स को लिखना चाहिए, कितनी स्टेप्स को नहीं लिखें, कौन कौन से स्टेप्स हमारे साथ ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा मैं इन 10 पेपर्स के अलावा भी मैंने आपसे बहुत सारे पेपर शेयर किए हुए डिफरेंट एग्जाम्स के या मॉक पेपर, उनमें से भी हो सकता है कुछ पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो मैं जो भी पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो पेपर्स का लिंक मैं आपको शेयर करूँगा नोटिफिकेशन के साथ, नोटिफिकेशन में लिंक भी होगा, आप उसको तुरंत डाउनलोड करेंगे और सेम डे ही सॉल्व करेंगे। और लास्ट 1 मंथ में नया पढ़ने की जगह जो आता है उसका एक रिवीजन करना चाहिए, उसको रिवीजन करने के साथ उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को फिर से देना चाहिए। अभी जैसे मुझसे कुछ बच्चों ने बताया, आप में से कई लोगों ने पेपर इतने बार सॉल्व कर लिया कि अब क्वेश्चंस ही आपको याद होगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसको नेगेटिव नहीं एक पॉजिटिव बोलूंगा, क्यों, क्योंकि आप जब पेपर देने जाएंगे, आप देखिए चाहे JEE का पेपर हो, चाहे NIMCET का हो, चाहे NDA का, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। JEE में 5% ही होते हैं, NDA में 15-20% तक हो जाते हैं, NIMCET में भी 10-20% होते हैं। अगर रिपीट क्वेश्चन आपको याद है तो ये जो सॉल्विंग टाइम आपने सेव किया, ये कहीं ना कहीं रीजनिंग में या इंग्लिश में या कंप्यूटर में हेल्प करेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको करना भी यही है, इसलिए मैं फिर बोलूंगा कि एवरी सैटरडे
आपका एक ही काम होना चाहिए, ये 11 पेपर प्लस जो मैंने आपको डिफरेंट मॉक पेपर्स, मैथ्स के बहुत सारे स्पीड टेस्ट दिए हुए हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट दिए हुए हैं, मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, इन सबको सॉल्व करो। यानी सैटरडे के दिन कुछ भी नहीं पढ़ना, इन्हीं पेपर को बार बार करो। एक पेपर को सॉल्व करने में पहले जहां 2 घंटे लगते थे, अब 10 मिनट से 15 मिनट लगना चाहिए। यानी एक एक पेपर में 15-15 मिनट में इतने स्पीड में करो, जिनके आंसर दिमाग में है वो याद रखो। और आंसर ऐसे मत रखना कि ए है, बी है, सी है, बल्कि ये ध्यान रखना कि इसका आंसर 2/3 था, इसका आंसर 5/4 था, इस क्वेश्चन की सॉल्विंग टेक्निक ये थी। दूसरा, इन पेपर को सॉल्व करने के आप वही टेक्निक को यूज करो जिस टेक्निक से मैंने आपको पढ़ाया, वो टेक्निक आप यूज करोगे, आप बिल्कुल जैसे क्वेश्चन आए सोचो कि मैंने क्या बताया, जैसे ये दिमाग में आएगा मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आपका इसमें अच्छे स्कोर आएंगे। तो ये आप स्टार्ट कर दीजिए। अब अगले कुछ दिन करीब करीब मैं ट्राई करूंगा कि 4-5 सेशन में मैथ्स के ले लूँ, 4-5 सेशन LR के ले लूँ, जिससे कि आप ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तो अब आपका पास फिर से समय आ गया है कि आप अच्छे से प्रॉपर रिवीजन करें, कहीं पे भी निराश होने की जरूरत नहीं। मैंने आप सभी को एक प्रॉमिस किया था कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, लास्ट टाइम तक आपके साथ जुड़ा भी रहूंगा और जहां जहां आपको प्रॉब्लम आएगी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताता रहूंगा। इसलिए ये जो क्विक रिवीजन क्लास ली थी, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें, फिर इन पेपर सॉल्यूशन की क्लास देखें। और अब सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट इम्पीटस गुरुकुल से जुड़े हुए, उनको भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि नेक्स्ट संडे से आपकी भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, अब आपको भी टेस्ट पेपर्स मिलने चालू हो जाएंगे। तो अब इन पेपर्स को निकालिए, जितने पेपर्स अब तक दिए हैं उन सब पेपर्स को फिर से सॉल्व करिए, और एवरी सैटरडे यही काम आपको करना है। अभी यहाँ पर 3-4 मॉक जो होते हैं वो सब आपको मिल रहे हैं, उनको बार बार सॉल्व करिए। जितना पेपर्स को बार बार सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा। दूसरा, सॉल्व करने के बाद फिर बैठे पेपर लेके फिर एनालिसिस करें कि कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कौन से क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक से रॉन्ग हुए, कौन से क्वेश्चन फॉर्मूले मिस्टेक से रॉन्ग हुए, कौन से क्वेश्चन कंसेप्शन मिस्टेक से रॉन्ग हुए, ये भी आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है। और बाकी जो मैं आपके साथ क्लास शेयर करूंगा, इससे आपके अंदर बहुत तेजी से डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।